गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ दोबारा से एक हॉल वीडियो लेके। आई गेस इट्स बीन मंथ्स मैंने कोई भी मतलब बैगी टी शर्ट पे नहीं बनाया था हॉल। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू गाइस। ऑलराइट सो पहला हमारा ये है, आई लव द कलर सो प्रिटी, या फॉर द बैगी इफेक्ट आई ऑर्डर्ड इन एक्सेल आई गेस। नहीं आई ऑर्डर्ड इन लार्ज साइज, ठीक है। आई डोंट इवन रिमेम्बर द प्रिंट्स गाइस। एनीवेज लेट्स ओपन दिस वन एंड ऑल दीज आर फ्रॉम टोक्यो टोकीज, जो बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ मतलब अच्छे से प्राइस में मिल जाता है। एंड सबसे पहले बात करें कपड़े की, कपड़ा इज लाइक ऐसा होता है ना थोड़ा सा पोलो टी शर्ट टाइप का कपड़ा, वैसे सा कपड़ा का फील आ रहा है। सो सामने से ये कुछ ऐसे दिखती है और पीछे से ये कुछ ऐसे दिखती है, और दोनों साइड में यहाँ लिखा है टेनिस सोसाइटी। हियर इट इज रिटन ऑल्सो लाइक टेनिस सोसाइटी इन शॉर्ट प्रिंट। एंड मुझे सबसे कूल ये चीज लगी जो इसका ये प्रिंट है, एंड इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये वन साइज बिगर है, लाइक टू साइज बिगर देन नॉर्मल साइज इधर लिखा हुआ है। आई लव द कलर, आई लव द वाइब, आई लव द मटीरियल ऑफ दिस। एंड ऑब्वियसली जो भी प्राइजेस है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी तो आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड इसका भी गोल नेक है एज यू कैन सी, और इधर अलग से डिटेल दिए हुआ है, ये वाला जो चीज है ना ये वाला अलग से हाईलाइट कर रखा है। एंड दिस शेड इज ट्रेंडिंग दीज डेज, लाइक मैंने हर जगह देखा है इसको। के ड्रामास में तो मैंने अलग ही देखा है, के पॉप फील्ड में भी बहुत देखा। के पॉप फील्ड क्या होता है, के पॉप कल्चर, यू नो। सो या आई लाइक दैट। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट टी, इट्स इन पिंक कलर, लुक सो क्यूट। आई डोंट हैव पिंक्स, आई डोंट बाय पिंक्स दैट मच, बट मेरे पे सूट करता है वो अलग बात है। मैं सोच रही हूँ कि मैं पिंक्स और लेना शुरू करूँगी। इस पे भी लिखा हुआ है कि टू साइज बिगर देन नॉर्मल साइज, तो अगर आपको नॉर्मली मतलब फिटेड थोड़ी सी टी शर्ट या मतलब ऐसा है ना ज़्यादा ओवर साइज नहीं पसंद, तो अपने ही साइज में लेना, ठीक है। और उससे छोटा भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एंड इसका भी अगेन वैसा ही मटीरियल है जैसा वो ग्रीन वाली का था। एंड इस पर लिखा है फ्री योर माइंड पार्टी टाइम, नो बोरिंग डेज। एंड ये मुझे थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है। इट्स इन लार्ज साइज अगेन, दैट डिपेंड्स ऑन यू आपको कौन से साइज में लेना है। तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा इसका प्रिंट, मुझे बहुत ही कैची लगा था। और जिस पर लिखा है ना फ्री योर माइंड पार्टी टाइम एंड नो बोरिंग डेज, बहुत कूल लगा। और यहाँ पे पाइनएप्पल बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फंकी सा। आई लव द क्वालिटी ऑफ द मटीरियल। एंड ऑल्सो इसका भी अगेन वैसा ही नेक है जैसे उसका था, नॉर्मल गोल नेक। एंड यहाँ पे अलग से डिटेलिंग दे रखी है नेक पे, आर्म्स, एंड पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे सिंपल है। सो आई लव दैट, आई लव दैट, बहुत ही क्यूट लग रही है। मतलब कलर इट्स लाइक पिंक बट नॉट फुली पिंक, इट्स लाइक पीछे पिंक। आई डोंट नो हाउ टू लाइक एक्सप्लेन दैट, बट इट इज़ रियली गुड। मुझे पसंद आया ये भी पसंद आया। मतलब मैं बहुत टी शर्ट के मामले ना बहुत ही वो हूँ, पर्टिकुलर हूँ, मुझे इतने अच्छे से पसंद नहीं आता जल्दी से। दिस वन इज़ फ्रॉम बियर्डो जो मैंने पहन रखी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत मतलब बहुत अच्छी है। इसकी सॉफ्टर साइड में ज़्यादा है, मतलब थोड़ा पतला है। ये वाला जो कपड़ा है ना ये थोड़ा सा लाइक डिफरेंट मटीरियल है, बट थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा, बट एनीवेज टी शर्ट थोड़ी सी मीडियम मतलब ज़्यादा लाइट भी नहीं अच्छी लगती है, फिर वो उस पर लाइन्स पड़ जाती है, सो मुझे वो पसंद नहीं है, तो मुझे तो ये अच्छा लगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टी शर्ट, ऑल्सो टोक्यो टॉकीज ना मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर रहा है आजकल। मतलब बहुत इम्प्रेसिव चीज़ें इतनी मतलब सस्ती मतलब सस्ते प्राइजेस में, हाँ सस्ते प्राइजेस में, तो अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट टी इज दिस वन, आई थॉट ये थोड़ी मेहरूनिश में होगी, बट ये थोड़ा सा रस्ट, ये रस्ट शेड निकला गाइस। मुझे लगा ये थोड़ा मेहरूनिश होगा, लाइक डीप वाइन कलर, बट एनी वेज ये तो रस्ट निकला। तो देखते हैं इसको भी, पता नहीं मुझे ऐसे मिक्सड वाइब्स आ रही हैं इससे, लेट्स सी। सो इट्स लाइक दिस जो कि मैं कुछ भी नहीं, ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये उन दोनों से थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है। मतलब उनका थोड़ा ना मोटा, मतलब मोटा इन द सेंस पोलो टी शर्ट टाइप्स कपड़ा नहीं होता, उसका थोड़ा 50% रिड्यूस कर दो। मतलब द वे आई एक्सप्लेन थिंग्स इज टेरेबल। एनीवेज इस पे लिखा है स्पेस मनी, ठीक है। स्पेस मनी कौन सा बैक साइड है, अच्छा ये फ्रंट है, स्पेस मनी। एंड पीछे है, ओ भाई ये तो एलियन बन रखा है, ओ ये तो मैंने देखा ही नहीं था, बट दिस इज समथिंग लाइक ओके।
इस पे लिखा क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, स्पेस मनी ही लिखा है, यस स्पेस मनी विद एलियन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एलियन पे अलोन लिखा है, हार्ट ब्रोकन सा वो साइन बन रखा है एलियन, थोड़ा बदतमीज एलियन है थोड़ा तो देख के लेना अगर ले सकते हो पहन सकते हो तो ही, एनी वेज इट्स क्वाइट कूल एलियन, वैसे भी मुझे बहुत पसंद है एलियन वाइब्स, इज लाइक बैक इन 2021 आई वॉज ऑब्सेस्ड विद एलियंस, आई डू रिमेंबर दैट थिंग एंड दैट वॉज सो एम्बेरसिंग टू द पॉइंट आई यूज इमोजीज ऑफ एलियन, आई यूज स्नैपचैट एलियन फिल्टर और ऑन माई इंस्टा बायो मैंने वहाँ पे भी एलियन की बूथी चिपका दी थी, विच इज सो एम्बेरसिंग, एनी वेज यू डू यू ओके। सो इसका जो कपड़ा है ना ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इट्स लाइक रियली सॉफ्ट, उससे तो थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगा मुझे, ऐसा नहीं बोल रही कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी भी है बट इसकी भी है, एंड इन सब में ना यही लिखा हुआ है कि ऑर्डर जो इसका मतलब जो आप ऑर्डर करोगे, कहाँ गया वो, अभी तो यहीं था, वाह घूम गया क्या, इसमें नहीं था वो ओवर साइज, मतलब ये ओवर साइज कैटेगरी की हैं तो दो साइज अबव ही होंगी तो आप देख के लेना वो चीज़, अदरवाइज इट्स रियली ग्रेट, मुझे बहुत पसंद आया। ये रस्ट कलर है, रस्ट कलर मेरे पास कभी था नहीं, मैंने कभी लिया नहीं, मुझे लगा ये मेहरून होगा बट ये नहीं था, एनी वेज रस्ट इज ऑल्सो लुकिंग ग्रेट लाइक थोड़ा डिफरेंट ओके, पसंद आया सानू, पसंद आया सानू, पसंद आया, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ओके बिल निकल गया हाँ। सो ये है नेवी ब्लू कलर में, एज यू कैन सी नेवी ब्लू, एंड मेरे को इसका भी प्रिंट याद नहीं है, मैं भूल जाती हूँ गाइस, मुझे याद नहीं रहता, एनीवेज ओके, सो दिस इज आई गेस दिस इज नॉट इन नेवी ब्लू कलर, दिस इज आई डोंट नो व्हाट, ये थोड़ा मोटा है कपड़ा, या ये मोटा है कपड़ा, ये कपड़ा कैसा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे देखो आपको समझ आ रहा है, जैसे वो पजामे में नहीं होता तो मैं फील आती है अंदर पजामे में, वैसा ऐसा फील आ रहा है, मतलब वैसा सा लग रहा है, थोड़ा मोटा है हाँ, और इस पे लिखा हुआ है चाइनीज में लिखा हुआ है इसमें ट्रैवल थेरेपी, ये मैंने मंगवाया भी था या नहीं मंगवाया था, मैं यहाँ पे लिख दूंगी अगर मैंने ये मंगवाया था, मुझे पता नहीं डाउट्स हो रहा है बट क्या पता दिख कुछ रहा हो आ कुछ गया हो, एनीवेज ये थोड़ा ना ग्रे ब्लू वाइट का मिक्सचर का टाइप का कलर है, मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है इसको क्या बोलेंगे, कौन सा कलर बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो इन लार्ज साइज, ये काफ़ी बड़ा है और इसका प्रिंट कुछ ऐसा है, यू कैन सी एक लड़की बनी हुई है, लीसा ली के पॉप वाइब्स आ रही है मुझे तो, एंड इसमें लिखा है ट्रैवल थेरेपी एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड स्टे वाइल माउंट टोक्यो, सो या बढ़िया लगी मुझे, ऐसा कलर भी मेरे पास नहीं है सो आई लाइक इट, इसका भी नेक ऐसा ही है गोल, मतलब सबके प्रिटी बेसिक नेक है गोल गोल, एंड इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा मुझे लगा थिकर साइड पे, बाकी बढ़िया है, मतलब आई लाइक इट, ये कलर मेरे पास है नहीं और ये कलर भी कुछ ज़्यादा यूनिक लगा मुझे, मतलब ये कलर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ अलग ही कलर है, अलग ही शेड है, ये ऐसे बता नहीं सकती मतलब कौन सा कलर है, बट इसमें ना हल्का हल्का ग्रे का कपड़ा भी है, मतलब ब्लू ग्रेश इफेक्ट है इसके अंदर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट बट या, और प्रिंट आप देख सकते हो एक लड़की जी बनी हुई है ठीक है, और वो बोल रही है ट्रैवल करो वाइल्ड रहो और मजे करो, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टी विच इज इन ब्लैक शेड, ब्लैक कैसे छोड़ सकते हैं, ब्लैक तो मैंडेटरी है, होना ही पड़ता है, सो ओके दिस इज ऑल्सो इन लार्ज साइज एंड वही सेम कपड़ा है, मतलब ऐसा सा कुछ वो मैं बता नहीं सकती आपको, अंदर से ऐसा सा कुछ है, मैं आपको बैक कैमरे से अभी दिखा दूंगी तो आपको ना स्पष्ट हो जाएगा अगर मेरी हिंदी सही है तो, बहुत ही कूल लगेगा तो आपको समझ आ जाएगा क्लियरली कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो सामने से ओके सामने ये है, सामने से ये कुछ ऐसी है, पीछे से ये पूरा ब्लैंक है, इस पे क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट, द मनी की पता नहीं क्या लिखा है, कीप द मनी ओके, इसमें लिखा है कीप द मनी, इट्स वेरी सिंपल जस्ट लुक एट योर लाइफ टू सी वेयर यू आर हेडिंग, यू आर ऑलवेज इन द मोमेंटम ऑफ समथिंग, वट एवर बिगनिंग गोल्स यू सेट फॉर योर सेल्फ फॉलोइंग थ्रू ऑन देम विल बिल्ड मोमेंटम एंड अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड दो स्मॉल सक्सेस विल पॉइंट द वे टू बिगर वंस, क्वाइट नाइस कोट, अच्छा है कीप द मनी जो इसमें लिखा है और नीचे जो कोड लिखा हुआ है, बट मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों,
मुझे लगा कि थोड़ा सा छोटा होगा ये प्रिंट, बट ये थोड़ा बड़ा है। जो पहली बार ब्लैक सा कुछ ले रहा है वो ले सकता है। क्वालिटी इज नाइस। एंड वो जो कपड़े का मैं आपको बता रही थी वो मैं अभी आपको बैक कैमरे से बताऊंगी, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि कपड़े की इतनी नॉलेज नहीं है ना मेरे को। बाकी ये है लार्ज साइज में, कभी गोल नेक है जैसे कि उन सब टीज का था। एंड लार्ज साइज आप देख सकते हो कितना बड़ा है, तो आप अपने साइज में लेना अगर आपको ओवर साइज चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ओवर साइज है। 2 साइज बिगर ये बता रहे हैं जबकि अलग से टैग लिखा हुआ है, तो आप अपना साइज में भी ले सकते हो। बाकी अगर आपको इतना बड़ा चाहिए तो आप लार्ज साइज भी ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसा कपड़ा है, एंड सेम विद दैट ब्लू ग्रेश जो मैं आपको बता रही थी ना टी शर्ट, उसका भी अंदर से ऐसा था। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसा बता रही थी, तो ये कुछ अंदर से ऐसा है इसका बना हुआ है मटेरियल। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। ये था मेरा ओवरसाइज टी शर्ट का हॉल जो मैंने बहुत टाइम बाद करा है, और सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कर लेना। इजिली अवेलेबल होता है सब कुछ, जितना भी मैं हॉल बनाती हूँ सारा का सारा आपको इन्फो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना ताकि और लोगों को ये वीडियो दिखे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज मैंडेटरी, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। के पैम बाय।